गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, इट इज योर मैथ्स पीरियड। आई विल टीच एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 16। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 के आगे से पढ़ा रहा हूँ। तो सभी भैया मैं अपनी अपनी कॉपी निकाल लें, कॉपी में आज पीरियड डाल दें। 22 अगस्त 2021 क्लास वर्क लिख दें ब्लैक पेन से और ब्रेक पे से एक्सरसाइज 7.2 डाल दें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 432 इज डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन है 432 डिवाइडेड बाय 5। 432 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 5 से डिवाइड करने के लिए हमने क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा, 5 को डिवाइडर बनाया, 432 को डिविडेंड बना दिया। अब हमने 5 पे 4 से डिवाइड किया, 4 छोटा है 5 बड़ा है इसलिए डिवाइड नहीं हो पाए। अब क्या करेंगे हम, इसको बड़ा करने के लिए हमने एक नंबर इसका और ले लिया। अब कितना हो गया, 4 और 3 मिला के कितने हो गए, 43 हो गए। कितने हो गए, 43 हो गए। अब 5 से हमने 43 को डिवाइड किया, मतलब 4 का टेबल पढ़ा कि 43 से ज़्यादा ना हो। तो 5 का टेबल हमने पढ़ा, 5 बन गया 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ज़्यादा हो गया, 9 बार में ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा वाला नहीं लिखेंगे, उसके एक पहले वाला लिखेंगे, 5 8 जा 40 वाला। 8 टाइम्स यहाँ पर लिखा, 8 जा 40 हो गया, ये लिख दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, 3 में 0 माइनस किया, 3 आया, 4 में 4 को माइनस किया, 2 उतार लिया, 32 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 32 में, तो 5 5 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 6 टाइम्स लिया, 30 आया, 2 में 0 को माइनस किया, 2, 3 में 3 को माइनस किया, क्वेश्चन कितना आ गया, 86 आया, और रिमाइंडर कितना बचा, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन है, 522 इज डिवाइडेड बाय 4। 4 से 522 को डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। 5 का टेबल पहले 5 से पढ़ा और 4 का टेबल 5 से पढ़ा, तो 4 बन गया 4 हुआ, 1 टाइम्स दिया, 4 लिखा, 5 में 4 को माइनस किया, 1 बचा, और ये 2 उतार लिया। अब 4 का टेबल हम 12 में पढ़ेंगे, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितनी बार गया, 3 बार गया, 12 बार गया, 2 में से 2 को माइनस किया कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 को माइनस किया कुछ नहीं, ये 2 यहाँ पर उतार लिया। अब 4 से 2 में डिवाइड किया, नहीं गया, नहीं जाएगा, छोटा है इसलिए नहीं जाएगा, तो यहाँ से 0 लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन कितना हो गया, 130 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 820 डिवाइडेड बाय 9 से 820 को डिवाइड करना है, तो 9 को डिविडेंड बनाया, 820 को डिविडेंड बना दिया, डिवाइडर बनाया इसको, ये डिविडेंड है। अब 9 का टेबल 82 में पढ़ेंगे, 9 का टेबल 82 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 जा 81, 81 लिख दिया, 2 में से 1 को माइनस किया, 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया कुछ नहीं, और ये 0 उतार लिया। अब 9 का टेबल 10 में पढ़ेंगे तो 9 बन जा 9,
10 में से 9 माइनस किया 4, ठीक। क्वेश्चन कितना आ गया 91, और आर कितना आ गया 1, ठीक। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 783 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 से 783 को डिवाइड किया 5 हो गया 5, 7 में 5 माइनस किया 2 बचा 8 का लिया, 5 से 8 को डिवाइड किया तो 5 5 25, 5 6 30, 30 ज़्यादा हो गया क्यों, 5 बार में यहाँ पर डिवाइड किया 5 5 25, 8 में से 5 को माइनस किया 3 बचा, 2 में 2 किया 3 नहीं बचा और ये 3 आ गया, 5 6 30 हो गया, माइनस किया 3 में 0 हो गया 3 ना आ गया, क्वेश्चन बराबर हो गया 156 और रिमाइंडर बराबर हो गया, ठीक। इसको कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे कराए जल्दी से करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 545 डिवाइडेड बाय 4 से 545 को डिवाइड किया है, तो 4 से पहले हमने 5 में डिवाइड किया तो 1 बार गया 4 बन गया 4 आया, 5 में 4 को माइनस किया 1 आया, 4 को यहाँ पर उतार लिया, 4 का टेबल 14 में पड़ा कि 14 से ज़्यादा ना हो, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो गया 16 ज़्यादा हो गया, क्या करेंगे हम एक पहले वाले को लेंगे 4 3 जा 12, 12 ले लिया, 4 में 2 गया 2 बचा, 1 में 1 गया 2 नहीं बचा, ये उतार लिया 5, अब 4 का टेबल पड़ेगा 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 बन जा 4, 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 4 जाए 16, 4 5 जाए 20, 4 6 जाए 24, 4 6 जाए 24, 6 बार आया 24 हो गया, 5 में 4 गया 1 बचा, 2 में 2 गया, क्वेश्चन कितना हो गया 136 और आर कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है 861 डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड करना है 661 को, 7 को डिवाइडर बनाया है, 861 डिविडेंड है ये, अब 7 का टेबल हमने 8 पे पढ़ा, 7 बचा 7, 8 में 7 को माइनस किया 1 बचा और ये बगल वाला नंबर 6 उतार लिया, अब 7 का टेबल 16 में पढ़ना है, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 बचा 7, 7 2 जा 14, 14 आया, 6 में 4 माइनस किया 2 बचा, 1 में 1 किया कुछ नहीं, अब यहाँ पर 1 कर लिया, ठीक। अब 7 का टेबल हमें 21 में करना है, 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 बार गया 3 बार गया 21 आ गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, क्वेश्चन बराबर क्या आया 123 एंड आर बराबर कितना आया, okay। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, ठीक। तो होमवर्क को ठीक प्रकार से करिएगा, पहले तो आप वीडियो को ठीक से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आपको होमवर्क करना है, लिखिए आप कॉपी पर होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 226 इज डिवाइडेड बाय 3, 23 नंबर क्वेश्चन है 975 डिवाइडेड बाय 8, 24 नंबर क्वेश्चन है 916 डिवाइडेड बाय 6, 25 नंबर क्वेश्चन है 900
डिवाइडेड बाय, ठीक। ये फोर क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। पहले वीडियो को देखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन को समझेंगे, तब उसके बाद करेंगे, ठीक। थैंक यू।